दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एजेंट आईडी स्कैम के बारे में। अब आप बोलोगे ये एजेंट आईडी क्या होता है, तो आप किसी भी कंपनी की आईडी, जैसे मान ले पेटीएम के पहले थे, तो पेटीएम बीसी की एजेंट आईडी मिलती है, पे नियर बाई की एजेंट आईडी हो गई, किसी बैंक सीएसपी सीएससी ईटीसी की आईडी को एजेंट आईडी की तरह हम कहते हैं कि इनकी एजेंट आईडी होती है। और इसी का नाम पे फायदा उठाने के लिए कई सारे स्कैमर क्या करते हैं, यूट्यूब या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस प्रकार कमेंट करिए, जो भी कमेंट दिखा रहा हूं मेरे चैनल पे कमेंट किए गए हैं। यहां पे स्कैमर है जो अपना नाम रिटेलर रखा है और वहां पर कमेंट करता है एजेंट आईडी लेने के लिए डीपी फोटो पर नंबर मिल जाएगा। जब मैं इसे क्लिक करता हूं इसके कमेंट्स के ऊपर, तो इसका प्रोफाइल लेता है, प्रोफाइल क्लिक करता तो वहां पर डायरेक्ट लिखता है एजेंट आईडी लेने के लिए नंबर पर व्हाट्सएप करें। और ऐसे कमेंट अभी से नहीं, जब से पेटीएम के बीसी पे वीडियो बनाता हूं बहुत पहले से इस तरह का मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट, कई सारे कमेंट को मैं डिलीट कर देता हूं, कई सारे लोगों को ब्लॉक कर देता हूं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की आईडी, जैसे पेटीएम, एयरटेल की आईडी, पे नियर बाय, फी नो, स्पाइस मनी, कोई किसी बैंक का सीएसपी सीएससी, अलग अलग तरह का एजेंट आई लेने के लिए नए नए वो लोग जो नए नए इस फील्ड में आए हैं और वो चाहते हैं अपने धंधे के लिए एक अच्छी कंपनी का आईडी होनी चाहिए, और वो बंदे इस स्कैमर शिकार पड़ जाते हैं। अब ये स्कैमर इस प्रकार कमेंट कर क्या करवाना चाहता है और किस प्रकार से स्कैम करने की कोशिश करता है और हम इस स्कैमर से किस प्रकार बच सकते हैं, हमने लाइव इस स्कैमर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की और ये क्या क्या करना चाहता है आपके लिए लेके आए हैं कंप्लीट हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें अगर आप नए हो या पुराने हो, आप पेटीएम, एयरटेल, अलग अलग अच्छी कंपनी के एपी ईटीसी सीएसपी सीएससी आईडी लेने की चाह रहे, लेकिन ये स्कैमर ट्रैप में फंस ना जाओ। हम कैसे बचो, स्कैमर क्या करके झाड़ देता है और हम इससे कैसे समझे कि ये स्कैम है, आज की इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल्स हम समझने वाले। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैंने स्कैमर का नंबर निकाला, नंबर निकालने के बाद इसने कहा था व्हाट्सएप करने, मैंने उसी हिसाब से मैंने अपने व्हाट्सएप पे एसएमएस किया, हाय भाई पेटीएम की बीसी आईडी लेनी है, ये मैं जनवरी में मैसेज किया था, बहुत पुराने समय किया था मैं, हाँ भाई अभी बन जाएगा, मतलब तुरंत ही बना के ये देगा। मैंने बोला क्या करना होगा, तो इसने कहा डॉक्यूमेंट भेजो भाई अभी बन जाएगा। ये बंदा बहुत ज्यादा ही तेजी में है कि अभी तुरंत ही आईडी इसको बस बना के रखा हूं, दे ही दूं हाथों हाथ। उसके बाद मैं क्या भेजूं, तो इसने कहा नेम, बैंक नेम, फोन नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आधार नंबर, एड्रेस, पेमेंट 1000 रुपए। पैसे की बात यहाँ पे आ गई है। फिर बोलता है भाई भेजो भाई अभी बन जाएगा, मतलब तुरंत ही बन जाएगा। अब इसी को समझो, स्कैमर जो होगा ना वो जितना जल्दी हो सके आपको दिखा त्वरित तुरंत ही आपको जो भी आईडी चाहिए हम बनाकर दे देंगे। और मैं जो जानता हूँ, जब पेटीएम बीसी आईडी बनती है, मैं पेटीएम की या बीसी आईडी या किसी कंपनी आईडी बने ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जानता हूँ, अच्छे लंबे खासे समय, तकरीबन महीने भर का टाइम लग जाता था, ये तुरंत बना देने में सभी समझ गया कि स्कैम। मैं जानने के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए मैंने आगे इनसे बात करना शुरू रखा, तो इसने एक वॉइस नोट भेजा जो सुनते हैं। भाई ठीक है, क्योंकि देखो भाई हमारे यहाँ बहुत सारे आईडी बनती है, जियो पोस्ट प्लस की आईडी बनती है, पेटीएम बीसी और एयरटेल बीसी का एजेंट आईडी बनती है। अगर भाई तुमको मेरे पर विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, एक कस्टमर का पेटीएम बीसी का एजेंट आईडी बनाया हूँ, उसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, देख लो, हमारे यहाँ कोई गलत काम नहीं होती है भाई। ठीक, इसका बोलने का स्टाइल क्या खतरनाक था, एकदम स्टाइलिश में लगता है, सुर लगाकर बोल रहा है, पहले फोटो रहा, इसने एक स्क्रीनशॉट डाला, ये स्क्रीनशॉट है, कोई बंदा था उसका स्क्रीनशॉट या कोई अपने दूसरे नंबर पर नाम सेव कर स्क्रीनशॉट डाल दिया होगा, पेटीएम एजेंट आईडी आईडी या पासवर्ड वगैरह लिख लो ले लो भाई वगैरह करके, ये एक फेक स्क्रीनशॉट या खुद से बनाया गया स्क्रीनशॉट है। बाकी पेमेंट का प्रूफ दिखा, पेमेंट किसी को भी कोई भी करके अपने से दूसरे नंबर करके एक स्क्रीनशॉट लगा दिया, ये भी एक फेक या फिर पेमेंट किया गया, लेकिन हमें जहां तक जाने के लिए स्क्रीनशॉट यहां शेयर किया गया। फिर मैंने छोड़ दिया बंदे ने कुछ, कुछ समय के बाद जब ये मार्च महीना आया, जब पेटीएम को ऑफिशियली आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से काम को रोक दिया गया, यानी कि बैंकिंग सर्विस एपीएस सबसे बंद किया गया, उस समय का है, तकरीबन बीते 2 साल से पेटीएम की केवाईसी बंद है और ये बंदा मुझे भेज रहा है इस प्रकार से। अभी ऑफर भी चल रहा है, पेटीएम का बीसी आईडी बन जाएगा तो एक कस्टमर के अकाउंट को केवाईसी करोगे 150 रुपए करके कमीशन मिल रहा है, यदि 10 कस्टमर के अकाउंट खोलोगे 1500 रुपए एक ही दिन में मिल जाएगा, और ये पैसा आप किसी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, ले भी सकते हो भाई। ठीक, आप आधार कार्ड से किसी बैंक का पैसा निकाल सकते हो, जमा कर सकते हो, मनी विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट। ये स्कैमर मुझे बता रहा है कि पेटीएम में क्या सर्विसेज मिलेगी, यहाँ पे बहुत सारे मुझे रिप्लाई किए गए, फिर यहाँ पे अलग अलग स्क्रीनशॉट शेयर किया, कुछ पेमेंट प्रूफ भेजा गया, मतलब मुझे एकदम दिखा रहा है कि भैया आप ले लो आईडी, हम ही जेन्युइन कस्टमर है, हम ही है सब कुछ, कई सारे स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे भेज भेज के मेरे को दिखाया, बहुत सारे लंबा चौड़ा बहुत वॉइस मेल भेजा
करने के लिए। तो देखो स्कैमर का पर्पस क्या होता है, इसने अभी 10,000 रुपये पेड करके मुझे यहाँ पे स्टेट बैंक की मिनी ब्रांच आईडी वगैरह बोलकर यहाँ पे वो भी भेजा गया था कि SBI का मिनी ब्रांच देंगे। क्योंकि देखो भाई हमारे यहाँ सिर्फ यही सब आईडी नहीं बनती है भाई, बड़ी बड़ी बैंक का CSP आईडी भी मिलती है भाई, जिसको बोला जाता है कस्टमर सर्विस पॉइंट बोला जाता है। हमारे यहाँ SBI बैंक का CSP आईडी मिलती है, बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB बैंक का CSP आईडी भी मिलती है। अगर भाई तुमको मेरे पे अभी विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो एक कस्टमर का बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP आईडी बनाया हूँ, जिसका चार्ज 20,000 भाई लगता है। 10,000 पहले विश्वास करके, ट्रस्ट करके एक कस्टमर पेमेंट किया भाई, और 10,000 कम्प्लीट हो जाने के बाद टोटल 20,000। और हमारे भाई 501,000 के लिए गलत फ्रॉड काम नहीं होती है भाई, ठीक है। तो ये कई तरह के आईडी का फ्रॉड करता है, मेन मकसद क्या होता है वैसे आप समझो, या पेटीएम बीसी आईडी बोल कुछ बोल के आपसे 1,000 रुपए एक मिनिमम अमाउंट आपसे लिया जाएगा। जब पेटीएम की बीसी आईडी थी और बनाया जा रहा था, उस समय कई सारे लोग मुझे कमेंट आए करते भाई मेरे साथ स्कैम हो गया, किसी बंदे ने पैसे ले लिए आईडी बनाने के नाम पे 1,000, 2,000, 2,500, 3,000, 5,000, 10,000, लेकिन आईडी नहीं बना। मैंने जनरल प्रोसेस ही बताया था आईडी किस पर बनाई जाती है उस समय की। अभी किसी भी चीज़ की बात करो, चाहे आप APS की बात कर लो, CSP की बात कर लो, CSC की बात कर लो, कोई मिनी ब्रांच की बात कर लो, या इस तरह के एयरटेल पेटीएम के एजेंट आईडी की बात कर लो, पहली चीज़ ऑनलाइन कोई बना नहीं सकता है, किसी को हम डिटेल भेज दिए ऐसा नहीं होता है। अभी के समय तो और नहीं ऐसा होता, अभी एक पार्टिकुलर किसी भी कंपनी आईडी चाहिए तो वो बंदा उसके डिस्ट्रीब्यूटर RM आपके शॉप पे आके आपके लाइव ऑनबोर्डिंग फोटो क्लिक करना, आपके आधार कार्ड करना, आपके शॉप की फोटो, बहुत सारे लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, फिर आईडी क्रिएशन होती है। ये क्या करते, पहले 1,000 रुपये करवाएंगे आपसे, फिर आपके जब 1,000 रुपये ले लेंगे फिर बोलेंगे आपको कुछ तरह का दिक्कत है, कोई पेमेंट है, कोई है वगैरह करके आपको थोड़े थोड़े अमाउंट करके आपसे अच्छे खासे ये लूट करेंगे। मेरे कमेंट में स्पेशली इस पेज पर कमेंट मेरे पास कई सारे आते थे मेरे चैनल पे, मैं हमेशा उस कमेंट को हम हमेशा डिलीट या उस बंदे को मैं चैनल से हाइड कर देता था। क्यों? क्योंकि इसमें पुराने जो है जो यूज़ करे उसको कोई दिक्कत नहीं होता, जो नए लोग हैं जो नए इंटरेस्ट रखते हैं इस पर काम करने में, एजेंट आईडी लेने में, उन लोग को ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि जनरली मालूम नहीं कि उनको कहां से किस चीज़ की आईडी मिलेगी और क्या प्रोसेस होता है जो उनको मिल गया ऑनलाइन। और इस प्रकार मोहब्बत से बात कर करके आपको स्टाइल में बोल बोल करेंगे तो आपको लगे सही जेन्यून है, स्क्रीनशॉट कुछ डालेंगे और आपके साथ अच्छा खासा ठगी ये कर जाएंगे, आपको लगेगा 1,000, 2,000 ही स्कैम वाले के, इस बहुत बड़े स्केल पे लोगों के साथ स्कैम की जाते हैं। अभी फिलहाल एयरटेल पेमेंट बैंक की बीसी आईडी देने के नाम पे ये कर रहे, बाकी CSP CSC क्योंकि पेटीएम तो अभी बैन है, उसकी ऑनबोर्डिंग अभी नहीं हो रही। तो आप भी अगर ऐसे कोई झांसे में पड़ गए हो, या कोई आपको कमेंट कहीं मिल जाता है, या कोई ऑनलाइन नंबर कहीं एडवर्ट में मिल जाता है, तो उससे कॉन्टैक्ट ना करें, कोई व्हाट्सएप पे डील भेजिए ना करें, और ये किस तरह का एप्लीकेशन कुछ इंस्टॉल करने बोले वो भी ना करें, बहुत सारे लंबे लंबे स्कैम पे आपके फोन को ही हैक कर लेगा, फिर आपके बैंक अकाउंट का पूरा चट कर जाएगा, आपको पता भी चलेगा, आपका पूरा लुटिया डूब जाएगा, आपको लूट लिया जाएगा। इस प्रकार कमेंट वाले से तो बच सकते हैं, लेकिन ये फोन हैक हो जाए तो उससे कैसे बचे, मैं आपको सामने वीडियो देखने का दिला रहा हूं, जहां पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं पूरा फोन को हैक करके आपको लूट लिया जाएगा, कैसे सामने वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।